फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो यहाँ पे पिछले दो तीन दिनों की जो मुख्य करंट अफेयर है उसको हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहली करंट अफेयर जो चर्चा में रही थी वो थी ध्रुपद संगीत को लेकर। तो चलिए समझ लेते हैं ध्रुपद संगीत के बारे में। तो जिस तरह से आप अन्य संगीत की विधाएँ पढ़ते हैं, उसी तरह से ध्रुपद संगीत भी संगीत की एक विधा है, पर इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मनोरंजन नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बुलेट पॉइंट्स दे रहा हूँ वो केवल याद रखेगा, ये मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं होता। इसकी जो प्रकृति होती है वो आध्यात्मिक होती है। अर्थात आध्यात्मिक होने का मतलब है ये ईश्वरीय पूजा उपासना से संबंधित संगीत है। और ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है इस संगीत की, इसकी उत्पत्ति हुई है हमारे एक वेद सामवेद से। और जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तब ये मूल रूप से संस्कृत में था, जो कि 12वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में ये ब्रज भाषा में बदल गया और मुगलों और राजपूतों ने भी इसको संरक्षण दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रदर्शन जो है वो दो भागों में किया जाता है, उनके नाम याद रख लीजिएगा। इसका प्रदर्शन दो भागों में होता है, एक को कहते हैं आलाप और एक कहते हैं बंदिश। तो इस तरह से ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं इस ध्रुपद संगीत के बारे में, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। अब ये जो पार्ट है ये पूछा जा सकता है आपके आर्ट और कल्चर वाले टॉपिक में से। अब वर्तमान में इसकी एक खास बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो गायकी की ख्याल श्रेणी है उसमें परिवर्तित हो गया है, इस चीज़ को भी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। तो दूसरी न्यूज़ को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमेशा चर्चा में रहता है, तो इसकी संरचना पूछी जा सकती है, इसके कार्य और शक्तियाँ पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। तो फिलहाल ये चर्चा में क्यों रहा है इसको जान लेते हैं। ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि असम सरकार ने एक विश्वनाथ जिले में 48 वर्षीय व्यक्ति को 1,00,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। और इस आदेश को क्यों दिया गया है, क्योंकि इस व्यक्ति को अपनी चाय की दुकान में पका हुआ गोमांस बेचने के आरोप में भीड़ ने पीटा था। तो ये कारण है कि अभी ये चर्चा में रहा है और यहाँ पर 1,00,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है असम सरकार को, इसलिए इसकी शक्तियाँ भी यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी संरचना को समझ लीजिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो यहाँ देखिए कि इसे 1993 में स्थापित किया गया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। 1993 आप सभी को ध्यान होगा, पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आप शायद पहली बार सुन रहे हो, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसको 1993 में स्थापित किया गया था। और ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। वैधानिक निकाय क्या होता है, देखिए वैधानिक निकाय होते हैं और एक संवैधानिक निकाय होते हैं। तो वैधानिक निकाय होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका संविधान के अंदर वर्णन नहीं होता। तो ये एक वैधानिक निकाय है और इसी अधिनियम में, जो ये अधिनियम था 1993 का, इसी अधिनियम में राज्य स्तर पे भी इसके गठन की चर्चा की गई है। मतलब केंद्र में अलग होगा और राज्यों में ये सेपरेट होगा। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है। तो यहाँ पे पेरिस सिद्धांत पूछे जा सकते हैं कि पेरिस सिद्धांत क्या होते हैं, या गठन के लिए पेरिस सिद्धांत का नाम हमने क्यों लिया है, क्योंकि अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था और जिसे यूएनओ का समर्थन प्राप्त था, ठीक है। तो जो पेरिस सिद्धांत हैं वो 1991 में बने थे और यूएनओ के समर्थन से बने थे, तो उसी के बेस पर हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। चलिए अब इसमें अगली बात समझ लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। देखिए संरचना को ध्यान से देखिएगा, यहीं से ज़्यादा प्रश्न आते हैं एमसीक्यू, बाकी तो आपके मेंस रिटर्न में पूछे जा सकते हैं जो प्रश्न पूछते हैं। तो संरचना को देखते हैं कि संरचना में यहाँ पर एक अध्यक्ष होते हैं और उसके बाद अध्यक्ष के अलावा
चार पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कितने अध्यक्ष सदस्य और इनकी टोटल संख्या का जो पूछा जाता है। इसके अलावा जो चार हैं वो मानद सदस्य होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल अध्यक्ष सहित 9 व्यक्ति हो गए। और अब इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देखिए अध्यक्ष के बारे में यहाँ पे जो जानकारी है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, पर शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट के या तो चीफ जस्टिस हों, सीजे हों, या अन्य न्यायाधीश हों, होने सुप्रीम कोर्ट के ही चाहिए, यहाँ पर हाईकोर्ट से नियुक्ति नहीं होगी। अब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि किसे अध्यक्ष बनाए, कौन से पूर्णकालिक सदस्य होंगे और कौन से मानद सदस्य होंगे, तो इस समिति के सदस्यों में यहाँ पर एक समिति बनाई जाती है और वो समिति डिसाइड करती है कि किसको इस आयोग में लेना है, किसको नहीं लेना। और ये जो समिति होती है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए, ये 6 सदस्यीय समिति होती है, ये 6 सदस्यीय समिति होती है। अब 6 सदस्य में कौन कौन होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। देखिए आजकल इस तरह के पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हम इन्हें नॉर्मली नहीं पढ़ते। दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरे मेंबर समिति के होते हैं राज्यसभा से। देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष तो नहीं हो सकते क्योंकि वो राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए यहाँ पे उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, ठीक है, विपक्ष के नेता का दर्जा जिन्हें दिया जाता है। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है। और ये जो सदस्य नियुक्त होते हैं, जो ये जो नियुक्त होते हैं, इनकी जो सिफारिश है फिर वो राष्ट्रपति तक जाती है और राष्ट्रपति फिर इनको नियुक्त करता है, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर और छोटी छोटी बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो या तो 3 वर्ष तक होता है या 70 साल की आयु तक होता है, जो भी इसमें से पहले हो जाए, इस हिसाब से इनका कार्यकाल निर्धारित होता है। और विशेष परिस्थितियों में इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति इन्हें पूर्व में भी हटा दे। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं उनका ध्यान रखिएगा, कथन कारण में आ सकते हैं, विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्व से भी हटा सकता है, ठीक है, पूर्व होने से पहले। तो इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा। अब इनके जो कार्य हैं उन्हें भी समझ लेते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं ये देखिए। स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पर, स्वतः संज्ञान ले सकते हैं मतलब किसी मामले में जांच करने के लिए खुद आगे आ सकते हैं, या कोई इनके पास जाके याचिका दायर कर सकता है तब ये उसकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा न्यायालय के समक्ष जो मानवाधिकार हनन के किसी आरोप लगे हुए हैं उसके बारे में उस न्यायालय की पहले मंजूरी लेकर उस मामले में हस्तक्षेप करते हैं। तीसरा, राज्य सरकार के अधीन कोई जेल है या कोई संस्थान है वहाँ के निवासियों की जीवन यापन की दशाएँ देखते हैं ये, ठीक है, जेल में जीवन यापन की दशाएँ देख लेते हैं। तो ये स्वतः संज्ञान लेकर यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा ये उन तथ्यों की समीक्षा करते हैं जिसमें आतंकवादी गतिविधियाँ शामिल हैं और जो मानवाधिकार आयोग को उपयोग करने से रोकती है। इसके अलावा ये मानवाधिकारों से संबंधित संधियों, अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करते रहते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी NGO होते हैं उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब इनकी शक्तियाँ क्या होती है, देखिए इनकी जो शक्तियाँ निहित होती है वो होती है 1908 की नागरिक दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, नागरिक दंड संहिता प्रक्रिया के अंतर्गत, तो इससे ये अपनी शक्तियां लेते हैं। और ये जो शक्तियां होती है ये सिविल कोर्ट के अनुरूप या उसके सक्षम या उसके बराबर होती है।
इसके बाद यहाँ से इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा और अगला मुद्दा हम करते हैं, अगला है गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर। गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर अब देखिए, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये जो क्षेत्र है ये पीओके में है, अगर आप इसे जानते हो। यहाँ पर मैं अगर आपको मैप बना के समझाऊँ तो भारत का इस तरह से आप मैप देखते हैं, अब इस मैप के अंदर जो डिवाइडेशन है वो आपको पता है कि ये सारा भारत के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये पीओके कहलाता है और पीओके में इस क्षेत्र में स्थित है गिलगिट बाल्टिस्तान। यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये हमारा सीओके आ जाता है, या जिसे अक्साई चिन कहते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर हमारा यहाँ पे लद्दाख आता है जिसे अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्थिति है। तो हम बात कर रहे हैं पीओके एरिया में स्थित गिलगिट बाल्टिस्तान की। अब यहाँ पे ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि अभी अभी जो न्यूज़ आई है, यहाँ पर पाकिस्तान की, क्योंकि ये कब्ज़े में है और पाकिस्तान ने इसे पूर्ण प्रांत बनाने का फैसला किया है। अब 2009 से क्या था, ये एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में प्रशासित हो रहा है, वर्तमान में पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित है। अब इसकी जो स्थिति है देखिए, वो आपको मैं बता दूं यहाँ पर, कि यहाँ से सीपैक भी गुजरता है, चाइना का जो रास्ता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो यहीं से होकर गुजरता है, इसलिए इसकी स्थिति काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और 1846 में जब सिख सेना को हरा दिया था अंग्रेज़ों ने, तब ये गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के अन्य भागों के साथ, जम्मू कश्मीर के राजा थे डोगरा वंश के गुलाब सिंह, उनको इन्होंने ये सौंप दिया था, बेच दिया था, परंतु उनसे वापस इन्होंने अंग्रेज़ों ने लीज़ पे ले लिया था, और इस लीज़ को लास्ट 1935 में नवीनीकृत किया गया था। फिर उसके बाद 1947 में क्या होता है कि एक ब्रिटिश अधिकारी जो कर्नल रैंक का है, उसने गिलगिट बाल्टिस्तान में महाराजा हरि सिंह के जो गवर्नर थे उनको कैद कर लिया था और क्षेत्र को पाकिस्तान में विलय के लिए सौंप दिया था। तो देखिए, ये इसका इतिहास है, अब इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर ये क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, और इससे संबंधित समझौतों के बारे में पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ है हमारे पास क्वींस काउंसिल की नियुक्ति की। अब ये क्वींस काउंसिल क्या होते हैं, देखिए क्वींस का मतलब यहाँ महारानी से है, और काउंसिल का मतलब यहाँ पर वकील की सुविधा से है। तो आपको ये पता ही होगा कि कुलभूषण जाधव का जो केस चल रहा है, जिन्हें 2016 में पाकिस्तान के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो इसके बाद क्या किया है भारत ने, स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए क्वींस काउंसिल की नियुक्ति की चर्चा की है। अब क्वींस काउंसिल क्या होते हैं, ये एक बैरिस्टर या वकील होते हैं जो कि ब्रिटिश महारानी के लिए नियुक्त किया जाता है, और इन्हें विश्व के सबसे लगभग सभी न्यायालयों में मान्यता भी दी जाती है। ठीक है, तो इनका ये ध्यान रखिएगा, क्वींस काउंसिल महारानी का अधिवक्ता होता है। अब जैसे कॉमनवेल्थ जो देश हैं वो एक संकेतात्मक रूप से महारानी को अपना अध्यक्ष मानते हैं, और वहाँ पे उनके वकील कॉमनवेल्थ कंट्री में हर जगह सुनवाई कर सकता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो पाकिस्तान ने मौत की सज़ा सुनाई है, उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारत ने आईसीजे से ये आग्रह किया है। तो क्वींस काउंसिल को यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अगली हमारे पास न्यूज़ है, भारत और अमेरिका में 2+2 स्तरीय मंत्री वार्ता हुई है। अब ये 2+2 मंत्री वार्ता क्या होती है, तो इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपके चर्चा में काफ़ी पूछा जा सकता है, अमेरिका प्लस भारत की 2+2 वार्ता और जो समझौते यहाँ पर हो चुके हैं। तो देखिए, अभी अभी भारत अमेरिका के साथ एक समझौता करने जा रहा है, और इस समझौते का नाम है बीका, BECA। इस समझौते का नाम है बीका, और इसका अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो B4 यहाँ पे आ जाएगा बेसिक, XE4 आ जाएगा एक्सचेंज,
एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, सी से आ जाएगा यहाँ पे कॉरपोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉरपोरेशन, फॉर जियो स्पेशल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इस तरह से इस समझौते का पूरा नाम याद रखिएगा। अब ये समझौता जो है वो, इसके जो बेस है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, वो तीन समझौते हैं। ये समझौता तो अभी होगा, पर इससे पहले भारत अमेरिका के साथ तीन समझौते कर चुका है। उनका नाम याद रखिएगा, पहले समझौते का नाम है यहाँ पे लेमोवा, दूसरे समझौते का नाम है यहाँ पे कोमकासा। ये चूँकि आरएएस मेंस में काफ़ी पूछा जाता है और प्री में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और जो तीसरा समझौता है उसका शॉर्ट नाम है, एक्रोनिम है GSOMIA। तो इनकी फुल फॉर्म भी, यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए, जो लेमोवा की फुल फॉर्म है वो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो इस तरह से ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं और आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा है आपके पास कोमकासा, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी। और हिंदी में याद मत रखिएगा, क्योंकि हिंदी में कन्फ्यूज़न हो जाएगी अगर शब्द बदल गए तो। इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश कीजिएगा इसे, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध करा दूंगा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो तीसरा है उसकी फुल फॉर्म देखिए, जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तो ये तीनों याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ऐसे समझौते हर देश के साथ नहीं करता। अब यहाँ पे जो बीका समझौता हुआ है उसके निहितार्थ आप समझ लीजिए कि ये यूएसए और भारत के बीच में सैन्य और नागरिक उपयोग दोनों के लिए जियोस्पेटियल या भूस्थानिक सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब ये लोकेशन, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, उनके बारे में भारत यूएसए की सेवाओं का प्रयोग कर सकता है और जान सकता है किसी भी समय पर वहाँ पर उस लोकेशन पर क्या हो रहा है। यहाँ पर इस तरह से जो इसका उपयोग किया जाएगा वो खुफिया एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इस तरह की जो युद्ध के समय छोड़ी जाती हैं मिसाइलें, उनकी लोकेशन कहाँ जाएगी, कहाँ पे छोड़ी जानी है, इन सब के बारे में सूचना भारत को मिल जाएगी। अब ये 2+2 वार्ता क्या होती है? अब ये जो 2+2 वार्ता है ये 2017 में शुरू हुई थी, इसको इस तरह से भी ध्यान रखिएगा, जब नरेंद्र मोदी जी की वाशिंगटन की यात्रा हुई थी। अब इस वार्ता प्रणाली में क्या करते हैं, दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री भाग लेते हैं। तो मतलब भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, यहाँ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और वहीं पे यूएसए के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं, इसलिए इसे 2+2 वार्ता कहते हैं। और 2+2 वार्ता ने भारत अमेरिका व्यापार और वाणिज्यिक मुद्दों हेतु रणनीतिक और वाणिज्यिक संवाद को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, तो ये 2+2 क्या होता है इसको ध्यान रखिएगा। दो रक्षा और विदेश मंत्री की जो वार्ता होती है, बीका के नाम को याद रखिएगा, और उससे पहले इन तीन समझौतों को याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद जो अगली हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है पिछले कुछ दिनों में, वो रही है एयर बबल। अब ये एयर बबल आपसे पूछे जा सकता है एमसीक्यू में कि एयर बबल क्या होता है, और एयर बबल की कंपैरिजन किया जा सकता है वंदे भारत मिशन के साथ। अभी आपको पता हो कि चूँकि कोरोना महामारी के कारण लोग फंस गए हैं विदेशों में और वो वापस नहीं आ पाए हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने वंदे भारत मिशन चलाया था। और वंदे भारत मिशन क्या था कि एक स्पेशल फ्लाइट्स का आयोजन किया गया था जो सिर्फ भारत की थी, और उन लोगों को देश में लाया गया, और यहाँ पे जो विदेशी लोग थे उनको खुद के देश में छोड़ के आया गया। पर उससे अलग है एयर बबल, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि चूँकि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो नहीं रही है, इसके बाद
वाणिज्यिक उड़ानों को, मतलब हम कॉमर्शियल फ्लाइट को वापस शुरू करने के लिए दोनों देशों के बीच ये एक अस्थायी व्यवस्था हो रही है। मान लीजिए कि इधर इंडिया है और यहाँ पर यूएसए है, तो इनके बीच में अभी फ़िलहाल कोई व्यापार नहीं हुआ है, वाणिज्यिक फ़्लाइटें उड़ाने के लिए एक समझौता हुआ है जो कि कुछ समय के लिए होगा। और इस व्यवस्था में क्या होगा, दोनों देशों की एयरलाइन को उड़ाने की अनुमति दी जाएगी, मतलब इंडिया की जो एयर इंडिया है वो यूएसए जा सकती है और यूएसए की एयर फ्लाइट या एयरलाइन यहाँ पर इंडिया तक सेवाएं दे सकती है। अब ये व्यवस्था वंदे भारत से अलग है, क्योंकि वंदे भारत मिशन में क्या था, इसमें सिर्फ एयर इंडिया की ही उड़ान थी, इसमें विदेशी उड़ानों को भारत में आने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो इन छोटी छोटी डिफरेंस को भी याद रखिएगा, ये आरएएस मेंस में पूछ लिए जाते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है, तब हमें अंतर बताना हो तो इस तरह से शुरू किया जा सकता है। अब तक 2020-13 सितंबर तक भारत ने 10 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। तो चलिए आज की न्यूज़ में इतना ही, और इस न्यूज़ की जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल करा दूंगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।